बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज हमारा आपके इंस्टीट्यूट के बुकलेट के मुताबिक सेक्शन बी की शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, और इसको हम अब आगे की क्लास में लेके चलेंगे। सेक्शन बी में आपका जो चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें एक्चुअली दो बातें की गई है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है अभी बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम इसके अंदर में करेंगे। एग्जाम में इसका जो वेटेज आपको दिया गया है वो आपके 20 मार्क्स का है, कम से कम। यानी कि 20 मार्क्स के तो क्वेश्चन इससे बनने ही बनने हैं, और ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए। मतलब एग्जाम में ज्यादा चांसेज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, और एक थ्योरी के रूप में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा हम उसका भी पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने कई सारे 60-70 करीब क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको क्लास में मुझे आपको कराना है। इसके साथ साथ इसकी थ्योरी क्या होगी हम उसका भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये विश्वास रखना पूरी क्लास को अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इनसे ही कवर्ड होंगे, इस बात की गारंटी है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। वही नहीं, और भी कुछ अगर बन सकता है, एग्जामिनर और भी कुछ सोच सकता है, उनको भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उतने क्वेश्चन से काम नहीं चलता, तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई करते समय, ठीक है ना। चलो मैं शुरुआत करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग में, मैं एंड रीस्ट्रक्चरिंग को हटा देता हूँ, हमारा डिस्कशन इसका अलग से होगा। आज का जो डिस्कशन हमारा है मेरे बच्चे वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेकर, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? देखो आज बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 का हम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी आपको नहीं लिखना। इस इंडेक्स 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। मैंने आपको बताना है कि पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसकी जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। 60-70 लगभग क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से मास्टरी। जब तक ये इंडेक्स 103 मेरे साथ चलेगा, आपके दिमाग में इफ और ना आए, कई सारी बातें डिफरेंट इंडेक्स से जुड़ी हुई है, तो मैं उसका लिमिटेड डिस्कशन यहाँ पे करूंगा, लेकिन बात आपको 100% समझ में आएगी, ठीक है। तो शुरू करता हूं आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103। सर ये क्या बोलता है, मैं इसको पहले नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लो ना मेरे बच्चे, अभी आपको नोट डाउन नहीं करना, पहले इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेरे साथ समझिए, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड। इन दोनों ने सोचा कि यार मैं अलग काम कर रही हूं, आप अलग काम कर रहे हो, आओ हम बिजनेस को कंबाइन कर लें, बिजनेस कंबाइन कर लें, और एक नया नाम से हम लोग बिजनेस करना शुरू करें। मतलब दो कंपनी अलग अलग काम कर रही थी, एक का काम अलग था, दूसरे का काम अलग था, वो चाहते हैं कि एक साथ मर्ज हो जाए, एक साथ मिल जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिलके एक नया कंपनी, उसने नया बैंक क्रिएट किया और फिर आगे बढ़ा, तो मेरे बच्चे बिजनेस कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक वोडाफोन, आपने नाम सुना हुआ है वोडाफोन कंपनी, वोडाफोन ने पता है एक पहले कंपनी हुआ करती थी हच लिमिटेड, हच को क्या क्या उसने अपने साथ मिला लिया, हच का बिजनेस जो था उसको अपने साथ मिला लिया, ये भी हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन है। यही नहीं, मैं आपको बताऊं सीओसी लिमिटेड का तो नाम सुना ही होगा, सीओसी ने क्या क्या रिलायंस को परचेज कर लिया मेरे बच्चे, रिलायंस लिमिटेड को मैं क्या क्या परचेज कर लिया, रिलायंस सीओसी तो नाम सुना ही होगा, रिलायंस भी नाम सुना होगा, सीओसी ने क्या क्या रिलायंस को परचेज कर लिया, ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का सर मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक जो एक्वायरर है, देखो इसको ना, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे एक्वायरर, जिसने एक्वायर किया बिजनेस को, जिसने बिजनेस को एक्वायर किया, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे जी, हम कहेंगे ये एक्वायरर है, मतलब जिसने बिजनेस को लिया। और यहाँ देखा जाए ना तो ये दोनों ने मिलकर ये नई कंपनी बनी ना बच्चे, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्वायरर है, एक्वायरर का मतलब कि जो बिजनेस परचेज करेगा, है ना। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, एक एक्वायरर होगा और एक होगा एक्वायरी, एक्वायरी
अक्सर हम भी लिखे, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद लिखते ना जो मन करेगा। एक एक्वायरर होगा, दूसरा एक्वायरी होगा, और ये जो एक्वायरर है ना, इस एक्वायरी के बिजनेस को ये क्या करेगा, परचेज कर लेगा। यानी कि ये कैसे जी, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल आफ्टर परचेज। सर ठीक से समझाओ ना, मैं आपको बताता हूं। देखो, सीओसी ने अगर रिलायंस के बिजनेस को परचेज किया, बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, अब इन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ये बिजनेस मेरे अंडर में आ गया मेरे बच्चे। ये तब होता है जब हम लोग बिजनेस को परचेज करते हैं और उस पर हमारा कंट्रोल मेंटेन होता है। कंट्रोल तब मेंटेन होता है अगर आपके पास एटलीस्ट 51% वोटिंग पावर आपके पास आ जाता है ना, दूसरे कंपनी पे। अगर सीओसी ने पूरे 100% शेयर्स परचेज कर लिए, 90% शेयर्स परचेज कर लिया, 80% परचेज कर लिया, इवन मोर देन 50 यानी कि 51% शेयर भी परचेज कर लिया, तो हम जनरली मानते हैं कि भैया आपका इस पे कंट्रोल हो गया। तो अगर सीओसी ने इन पे कंट्रोल कर लिया है ना, कंट्रोल किस पे कंट्रोल कर लिया, इक्वायरी के बिजनेस पे, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर कवर किया जाएगा। आप देखो ना, यहाँ पे वोडाफोन ने क्या किया, हच को परचेज कर लिया। तो मेरे बच्चे, वोडाफोन यहाँ पे एक्वायरर है, ये एक्वायरी है, इन्होंने इनके बिजनेस को परचेज कर लिया। क्या परचेज किया जी, हच के बिजनेस को परचेज कर लिया। और बिजनेस परचेज करने का मतलब आप इतना सिंपल शब्दों में समझना कि अगर आपका उस पर कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आने का मतलब कि मोर देन 50% अगर आपका वोटिंग पावर है तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा। अभी की बात करता हूँ, ऐसे कंट्रोल और भी कई तरीके से आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 51% शेयर्स परचेज किया तभी आपके पास कंट्रोल आएगा। हो सकता है मेरे बच्चे कि मैंने क्या किया जी, इनका सिर्फ 10% शेयर्स मेरे पास है, या कोई भी शेयर्स नहीं है, मैंने कोई शेयर परचेज नहीं किया, बट एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट से मैं इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इनके डायरेक्टर्स जो है उनको अपॉइंट करना, इनका एक्टिविटी को कंट्रोल करना, वो मेरे हाथ में आ गया। किसी भी तरीके से अगर कंट्रोल आपके पास आएगा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि इंडेक्स 103 के मुताबिक आपकी अकाउंटिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जब तक कि हम इसके डिटेल थ्योरेटिकल डिस्कशन में नहीं जाते हैं, तो जब भी मैं कहूं ना कि यार आपने इनको परचेज किया, तो इसका मतलब कि इन्होंने एटलीस्ट 51% शेयर्स इनका परचेज किया होगा। ठीक है ना बच्चे, तो आप जो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज करते हैं तो आपका उस पर कंट्रोल आ जाता है। नाउ दूसरा, आपने इसका क्या परचेज किया, बिजनेस को परचेज किया। अब यहां पे हमारा जो इंडेक्स 103 है, ये बिजनेस को भी डिफाइन करता है कि एक्चुअली बिजनेस का मतलब क्या है, कैसे माने कि बिजनेस आपका हुआ। तो देखो, सिंपल शब्दों में इतना अगर मैं आपको डिफाइन ना भी करूं तो भी आप बिजनेस का मतलब जानते हो। बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पे कुछ इनपुट हो, उस इनपुट का यहां पे प्रोसेस हो और उस प्रोसेस से कुछ आउटपुट आए। जहां भी ये चीजें आपको नजर आएगी ना, कहना कि वो बिजनेस है। अब देखो ना, मैं इस डेफिनेशन में इनपुट प्रोसेस आउटपुट को नहीं जानता, मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करता हूं। मुझे बताओ कि क्या सीओसी एजुकेशन एक बिजनेस है कि नहीं है। सर ये तो बिजनेस है। तो अगर कोई सीओसी एजुकेशन को परचेज करता है, क्योंकि यहां पे पता क्या है, यहां पे आपका इनपुट है, कई सारे यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं, कई सारे यहाँ पे लोग उसको चैनलाइज करते हैं, उनका प्रोसेसिंग होता है आपका रिकॉर्ड करने के बाद, फिर हमें एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, कस्टमर इनक्रिप्ट करना क्लास को, सॉफ्टवेयर वाले से कई सारे काम होते हैं, और अल्टीमेटली फिर आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट आपके पास पहुँचता है। एक बिजनेस है मेरे बच्चे। किसी भी बिजनेस में होने के लिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेस होना जरूरी है। अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं, वो भी क्या एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी एक प्रोसेस चल रहा है। या तो प्रोसेस आपका गुड्स डिलीवर्ड करने का होगा, गुड्स बनाने का, या फिर सर्विसेज का, बट आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, आप प्रोसेस तो कर रहे हो, एक बिजनेस तो आपका है। अगर मान लो एक बंदा जो इस कैलकुलेटर को बनाता है, वो क्या करता है जी, इसके लिए इनपुट लेता है, रॉ मटेरियल, फिर इसको प्रोसेस करता है, यानी कि उसको आपका डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका पास ऑन करता है, कई सारे इस पे काम करता है, मार्केटिंग करना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, फाइनेंस के लिए पैसा इकट्ठा करना, बहुत सारी बातें होंगी, और अल्टीमेटली आउटपुट यानी कि इस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचता है। कोई भी आदमी अगर ऐसा काम करता है, यानी कि वो बिजनेस कर रहा है, और ऐसे बिजनेस को एक्वायर करना, आप यहाँ पे इंडेक्स 103 के मुताबिक उसका अकाउंटिंग करेंगे। पता है ये मैं क्यों समझा रहा हूं,
क्योंकि इंडेस 103 एक एग्जांपल आपको देता है, मैं आपको समझाऊं। वो कहता है कि देखो जी आपने क्या किया, मतलब सीओसी ने क्या किया, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, सीओसी ने क्या किया, ए लिमिटेड कंपनी का एक यहाँ पे इनके पास एक मशीन पड़ा हुआ था, एक मशीन था जी और एक बिल्डिंग था, मतलब एक बिल्डिंग था उसमें उनका मशीन पड़ा हुआ था, उसको क्या क्या इन्होंने परचेज कर लिया। जरा बताओ कि क्या इस पे इंडेक्स 103 अप्लाई होगा? हमें समझना पड़ेगा कि क्या आप किसी के बिल्डिंग को या मशीन को परचेज करके या बिल्डिंग मशीन परचेज करके, क्या वो ये प्रोसेस चल रहा है आपका? क्या आपने जो परचेज किया वो एक बिल्डिंग परचेज किया, मशीन परचेज किया, बिजनेस परचेज किया? बिजनेस परचेज तभी मानेंगे जब पूरा का पूरा एक्टिविटी रन कर रहा हो, पूरा का पूरा एक्टिविटी, यानी कि किसी के पूरे एक्टिविटी को परचेज कर लेना, यानी कि या फिर किसी बिजनेस के उस पार्ट को परचेज करना जो अपने आप में एक बिजनेस है, एक बिजनेस सेगमेंट है, मतलब एक पार्ट ऑफ बिजनेस है जिसके थ्रू भी बिजनेस हो रहा है। तो मेरे बच्चे तब आप बिजनेस कहते हैं। अगर मैं इनका सिर्फ बिल्डिंग मशीन परचेज कर लेता हूँ या फिर इनके पास जितने एसेट्स उसमें से 5-6 एसेट्स परचेज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने तो बिजनेस परचेज किया, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। यहाँ पे आपने एसेट्स को परचेज किया है और एसेट्स को परचेज करना इंडेक्स 16 के मुताबिक अकाउंटिंग होगा या जिस आपका रिस्पेक्टिव इंडेक्स में वो आपका एसेट्स पड़ेगा उनके मुताबिक। यहाँ पे इंडेक्स 103 ने बहुत साफ साफ कहा है कि बिजनेस का परचेज होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है कि आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट पूरा ये सेगमेंट। एक कंपनी थी रिलायंस, उनके 10 तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, वो पेट्रो में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। मैंने क्या क्या उनका रिलायंस फ्रेश का बिजनेस परचेज कर लिया। अब देख रहे हो, जैसे मैंने कहा ना रिलायंस फ्रेश, तो आपका दिमाग में क्या आया, वो पूरा का पूरा एक ऐसा सेगमेंट मैंने परचेज कर लिया जो अपने आप में एक बिजनेस है। मैंने ये नहीं कहा कि रिलायंस फ्रेश का मैंने शोरूम परचेज कर लिया या फिर मैंने उनका वो बिल्डिंग परचेज कर लिया जहाँ पे उनका शोरूम, ऐसा मैंने नहीं कहा। एक पूरे बिजनेस सेगमेंट को मैंने परचेज किया। तो जहां पे भी आपको लगता है कि यार जिस चीज को आप परचेज करो उसमें पूरी एक्टिविटी रन हो रही है, तो आप कहना कि इंडेक्स 103 उस पर काम करेगा, अदरवाइज जो रिस्पेक्टिव उस पर इंडेक्स होगा उस पर काम, उसके मुताबिक काम किया जाएगा। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे उन्होंने बिजनेस वर्ड को उन्होंने अच्छा डिफाइन किया। मैंने लिखा आपके लिए कि मीनिंग ऑफ बिजनेस का मतलब एन इंटेग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। इंटेग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब होता है एक साथ जुड़े हुए जो एक्टिविटीज है, मतलब वो प्रोसेस जुड़े हुए प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है कि उससे प्रॉफिट आ रहा है। डिविडेंड का मतलब क्या, प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो हम प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो एक बिजनेस है जिससे कि आप आपका डिविडेंड यहाँ पे निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड था शायद आपने गौर नहीं किया कि दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कनेक्टेड। कैपेबल का मतलब कि नॉट नेसेसरी कि उसे प्रॉफिट आ रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉफिट आ रहा हो, इवन दो अगर वो कंपनी लॉस मेकिंग है, बट हाँ एक बिजनेस दिख रहा है जो कैपेबल है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, बिजनेस के डेफिनेशन में लेकर आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, आपने उसको परचेज किया, क्या वो आपका इंडेक्स 3 के मुताबिक अकाउंटिंग होगा? आपने कहना है कि हाँ, अगर वो बिजनेस के डेफिनेशन में कवर हो रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो वो कैपेबल है ऑफ आपका गिविंग द रिटर्न, रिटर्न देने के लिए कैपेबल है, हम उसको बिजनेस के डेफिनेशन में लेकर आएंगे, इवन दो प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग, उसको फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, अगर कोई ऐसे एक्टिविटी को मैं परचेज कर रहा हूं जो मेरे कॉस्ट रिडक्शन में काम करेगा, मेरे बच्चे कॉस्ट रिडक्शन में, जैसे कि मैं मान लो बना रहा हूं, सपोज दैट आपका ये बना रहा हूं मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, मैंने एक ऐसे एंटिटी को परचेज किया जो इसके रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं, तो अगर मैं उनके रॉ मटेरियल्स को लेकर मैं इस बिजनेस में यूज करूंगा तो वो भी मेरा एक बिजनेस परचेज ही माना जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहा जाए तो हमारा डिविडेंड देने में ही हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर हम उस सेगमेंट को देखें सिर्फ वहां पे, तो वो हमें क्या कर रहा है जी, इसमें कॉस्ट रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा।
आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। तो जरूरी नहीं कि आप जिस बिजनेस को परचेज कर रहे हो वो प्रॉफिट ही आपको देगा। अगर आपके अपने मेन बिजनेस का जो आपका कॉस्ट है उसको रिडक्शन करने में भी अगर आपको हेल्प कर रहा है तो भी वो बिजनेस के ही डेफिनेशन में आएगा। जरा सुनो ना दोबारा, बिजनेस का मतलब एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लोअर कॉस्ट, या फिर लोअर कॉस्ट अभी जो बता रहा था आपका कोई ऐसा सेगमेंट परचेज करना जो आपको आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। सर अदर इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी मैं ऐसी कंपनी को परचेज करता हूँ जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, अब उसके लॉसेज को मैं अपने प्रॉफिट से सेट अप करा देता हूँ। इससे क्या होगा कि जितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था वो नहीं पे होगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? इन्वेस्टर्स यानी कि कंपनी को होगा। ये सब कुछ किसी भी मोटिव से अगर आपने कोई ऐसी चीजों को परचेज किया है जो बिजनेस के डेफिनेशन में फिट होती है तो बिजनेस के कैटेगरी में आएगी। क्लियर यहां तक? यस सर। तो इंडेक्स 103 कहता है कि देखो जी, यहां सुनना मेरी बात, कहता है कि अप्लाइज टू ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इन विच एन एक्वायरर, ये देखो ये एक्वायरर थे, है ना, ये एक्वायरर है जो मतलब जो अभी चल रहे मार्केट में, है ना, एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेस का मतलब हो गया इन्होंने इस पे कंट्रोल किया जी एक बिजनेस पे, इन्होंने इस पे कंट्रोल किया एक बिजनेस पे, यहाँ पे इन्होंने दो बिजनेस पे, दो या दो से ज्यादा वन और मोर का बिजनेस पे कंट्रोल करना वो यहाँ पे कवर होगा। तो एक्वायरर का मतलब क्या हो गया? जो बंदा बिजनेस को परचेज कर रहा है। एक्वायरी का मतलब जिसके बिजनेस को मैं परचेज कर रहा हूं या जिसके बिजनेस पे कंट्रोल कर रहा हूं। कंट्रोल का मतलब ही मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चे कि अभी आपको समझना है कि जब 51% वोटिंग राइट्स हमारे पास आ जाएगा और हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए, ये कब हमारे पास आएगा? जब एटलीस्ट उस कंपनी में हमारी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स में 51% या उससे ज्यादा हो जाती है। और भी इसके एक्सेप्शन है, कई सारी बातें हैं, बट वो थ्योरी के लिए मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाते चलूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, कुछ चिंता नहीं करना यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया ना मैंने क्या बताया? यस सर। अच्छा, ये जो बिजनेस को जो आप परचेज करोगे, चाहे सीओसी ने परचेज किया, चाहे वोडाफोन ने, चाहे आपका एक्स लिमिटेड ने, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इंडेक्स जो आपका 103 है, ये दो मेथड आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो दो मेथड है। कौन कौन सा? एक है आपका यहाँ पे एक्विजिशन मेथड और दूसरा है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हमने अभी आपने अगर AS-14 पढ़ा हुआ है, AS-14 जो इसके पैरेलल हमारे इंडियन गैप में, अभी उसको दिमाग से बिल्कुल हटा देना। बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको लेकर चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते, AS-14 कभी पढ़ा ही नहीं, तब आपको और ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, बातें और यहाँ पे क्लियर होंगी। तो ध्यान देना, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज मेड ऑन दो, आपका एक तो एक्विजिशन मेथड, दूसरा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। सर ये क्या है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे आंध्रा बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म की। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब वो जो नई कंपनी फॉर्म हुई ना बच्चे, उसमें मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है? तो कहते हैं कि आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक के शेयर होल्डर्स ही वहां पे मालिक है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो अगर दो कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म किया और इसके जो शेयर होल्डर्स यानी कि मालिक है वही यहां पे भी मालिक आपके हैं, मतलब कॉमन कंट्रोल है ना, मतलब जो यहां पे थे उन्हीं के कंट्रोल में यहां पे है जी, तो हम कहते हैं यहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। और इसका अकाउंटिंग कैसे होगा हम अलग से सीखेंगे, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, कॉमन कंट्रोल की बात अलग से सीखेंगे। अभी पता हम क्या सीखेंगे? वोडाफोन ने इनको परचेज कर लिया, सीओसी ने रिलायंस को परचेज कर लिया, सीओसी ने टाटा को परचेज कर लिया, सीओसी ने विप्रो को परचेज कर लिया, मतलब जहां देखो वहां पे सीओसी आ गई, उसने सबको परचेज कर लिया। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वही मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली ये मतलब इंडेक्स मेरे लिए है, 103 मेरे लिए है, आपके लिए नहीं, क्योंकि कल को आप भी कल को कंपनी स्टार्ट करोगे तो उसको भी मैं खरीद लूंगा। समझो मेरी बात। तो ये अकाउंटिंग कैसे होगा, हम एक्चुअली उसी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान देना, यहां पे हमारे पास दो मेथड थे, एक कौन सा था? एक्विजिशन मेथड, दूसरा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा अंडर कॉमन कंट्रोल, मतलब जो इसके शेयर होल्डर्स हैं और इसके शेयर होल्डर्स से दोनों ने मिलकर एक कंपनी को फॉर्म किया जी, और यही मालिक यहां भी है,
तो हम अभी उसका अकाउंटिंग अलग से सीखेंगे, हम बाकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक्विजिशन मेथड को फॉलो करेंगे। नाउ एक्विजिशन मेथड में हमें क्या करना होगा, हमें इंडेक्स 103 क्या बोलता, बोलता देखो जी आप इससे जब अकाउंटिंग करोगे तो आपके संतोष सर जो बातें आपको बताने वाले उसको फॉलो कर लेना। तो इंडेक्स 103 से आपने पूछ दिया कि बताओ ना कौन सी बातें संतोष सर बताने वाले हैं, वो मैं बोलता हूं मेरे बच्चे ये क्या बोलता है। यहां पे आप देखो तो मैंने 5 स्टेप्स आपको बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स नहीं है, मतलब ये 5 चीजें आपको देखनी होगी। पहला है कि आइडेंटिफाई करो एक्वायरर कौन है। अब मैं आपको समझा चुका हूं, एक्वायरर का मतलब होता है हु कंट्रोल्स द एक्वायरिज बिजनेस, जो कंट्रोल करता है। यहां पे कौन कंट्रोल कर रहा है, सीओसी कर रहा है जी इनके ऊपर में, यहां पे वोडाफोन इन पे कंट्रोल कर रहा है, यहां पे देखो तो ये कंपनी इस पे कंट्रोल कर रही है, बात सुना रही है। अरे ये केस आपका एक्विजिशन मेथड में भी आ सकता है, हो सकता है कि ये दोनों कंपनी मिल गए लेकिन इनके जो शेयर होल्डर्स है वो यहां नहीं मिले, आएगी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन केसेस सब जगह पॉसिबल आपका है। मैं तो कह रहा हूं यहां पे कि पहले आप क्या करो एक्विजिशन मेथड को फॉलो करने के लिए, फर्स्टली आइडेंटिफाई करो एक्वायरर कौन है। अगर मैं इसमें इनडेप्थ ना जाऊं, मतलब बहुत मैं अंदर जाके बातें ना करूं, तो एक्वायरर का मतलब होगा मेरे बच्चे जिसने कंपनी को परचेज किया है, वो नई कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस अभी दिख रहा है आपको, जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, वही आपका यहाँ पे क्या होगा एक्वायरर होगा। और भी अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं मैं सिंपल शब्दों में, तो जिसने किसी कंपनी को परचेज किया होगा और उसके बदले में पेमेंट किया होगा। और सिंपल शब्दों में आओ तो अगर मैंने किसी को कुछ पे किया तो मैं परचेजर हूं। अरे मैंने किसी को 10 रुपए दिए तो इसका मतलब क्या, मैं परचेजर हूं, मैं एक्वायरर हूं। तो जो भी बंदा पेमेंट करेगा, जो बंदा पेमेंट करेगा किस चीज का, परचेज कंसिडरेशन का। लो एक वर्ड मैंने आपको बोला, क्या बोला हम जी, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो सीओसी ने अगर परचेज किया रिलायंस को, तो बच्चे सीओसी ने रिलायंस को कुछ पेमेंट किया होगा ना, फ्री में तो कंपनी नहीं मिल गई होगी, नहीं सर फ्री में नहीं मिली होगी। तो जो भी कुछ पे किया उसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। एक्वायरर कौन होता है जी, हु कंट्रोल्स द एक्वायरिंग बिजनेस या हु मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ परचेजिंग द बिजनेस। अभी आप इतना ही समझे, तो एक्वायरर को आप पहले आइडेंटिफाई करें, एंटिटी दैट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस पे कंट्रोल ऑब्टेन करती है। जरा बताओ यहां किसने ऑब्टेन किया, सीओसी ने, यहां किसने ऑब्टेन किया, वोडाफोन ने, यहां किसने ऑब्टेन किया, एक्स लिमिटेड ने। तो ये एक्वायरर होंगे, इनको हम एक्वायरर कहेंगे। ये एक्वायरर का जो डेफिनेशन है ना वो एज पर इंडेक्स 110 में दिया गया है, पढ़ेंगे हम आपका कंसोलिडेशन के बारे में, इंडेक्स 110 वहां से डेफिनेशन उठाकर लेकर आया गया बच्चे। तो वहां पे भी वो इंडेक्स 110 जब बढ़ेगा ना 110, वो इस इंडेक्स से थोड़ा वो जुड़ा हुआ है, बट अभी मैं बिल्कुल उसको अलग करते हुए चल रहा हूं, वहां पर उस मजे को देखेंगे, यहां तो फिलहाल 103 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इंडेक्स 103 के अंदर में एक्वायरर कौन होगा, एक्वायरर इसका डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, इंडेक्स 110 में। इंडेक्स 110 में जब जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर एक्वायरर कौन है, तो वो कहता है भैया हु एक्वायर्स द बिजनेस, हु कंट्रोल्स द बिजनेस ऑफ एक्वायरी, जो बिजनेस को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल हम कब बोलेंगे, जब यू आर होल्डिंग मोर देन 50% शेयर। मोर देन 50% का मतलब 51% या उससे ज्यादा शेयर। क्लियर यहां तक, यस सर। तो ये आपका होगा जी, यहां पे पहले आपको एक्वायरर को यहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिटरमाइन द एक्विजिशन डेट, ठीक है, ये हमारा एक्वायरर है, इसने इसको एक्वायर किया, लेकिन जो ये आपका जो कंट्रोल हुआ, जो बिजनेस परचेज हुआ, उसका डेट क्या मानो, कब से मानो कि आपने इनको एक्वायर किया है, वो डेट क्या होगा। मेरे बच्चे अगर फिर से सिंपल शब्दों में बात करूं तो जिस दिन पे आपके हाथ में कंट्रोल आया होगा ना, जिस दिन में माफ कीजिए आपके हाथ में कंट्रोल आया होगा लीगली रिटन मतलब आपका पेपर के थ्रू कि हाँ भैया अब मैं इस पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो बोलते हैं कि भैया ये मेरा क्या है जी, हम इसको डेट ऑफ कंट्रोल मानेंगे। सर ये डेट ऑफ कंट्रोल जानने से क्या फायदा है फायदा मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने क्या बोला जी, एक्विजिशन मेथड को अप्लाई करने के लिए पहले आपको देखना कि एक्वायरर कौन है। वंस यू नो द नेम ऑफ दैट एक्वायरर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डेट ऑन विच द एक्विजिशन हैज बीन मेड, मतलब डेट फ्रॉम विच द कंट्रोल हैज बीन
मेड ऑन दैट एक्वायरी, कब से मैंने उसको कंट्रोल करना शुरू किया, एक्विजिशन डेट क्या आपका होगा? तो कहते हैं एक्विजिशन डेट का मतलब कि जिस दिन आपको पावर आ गया इनको कंट्रोल करने का। सर वो पावर कब आता है? क्या हमने जब एग्रीमेंट किया तब, जब हमने पेमेंट किया तब? अगर पेमेंट पार्ट पार्ट में कर रहा फिर क्या होगा? अगर मान लो कि कुछ एसेट्स आज आ गए, कुछ एसेट्स बाद में अभी आने वाले हैं, कुछ अभी एग्रीमेंट, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो मैंने कहा सिंपल शब्दों में, जिस दिन पे आपने इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना एक्चुअली कंपनी पे तब होता है जब इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन पे आपका कमांड आ जाता है। जब इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो इनकी मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पे जिस दिन से आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, आपके थ्रू काम होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हम डेट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। इसको मैंने समझाने के लिए आपके बुकलेट में क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, आप जरा आइए मेरे बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। इसके ऊपर में एक केस है जो शायद एग्जाम में बन जाए, तो आप देखो ना मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखेंगे आप अपने बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर एट मिल गया आपको? मिल गया? यस सर। नहीं मिला तो वीडियो पॉज करो, ढूंढो और फिर आप शुरू करो। आइए जरा पढ़ेंगे आप 8 क्वेश्चन क्या बता रहा है। सीओसी एजुकेशन लिमिटेड, नाम सुनते ही मजा आ जाता मुझे, है ना। देखो ना अब आप जो बता रहा था ना, पता नहीं आज लग रहा कि सरस्वती माँ मेरे जीवुआ पे बैठी हुई है, जब मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो सच हो जाता है। मैंने बोर्ड पे लिखा, क्वेश्चन में भी आ गया, कहता है कि सीओसी एजुकेशन लिमिटेड एक्वायर 80% इंटरेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नाम सुना होगा आपने, हमने 80% इंटरेस्ट एक्वायर किया। एक मिनट, क्या आपने 80% जो इंटरेस्ट एक्वायर किया तो क्या कंट्रोल हुआ आपके ऊपर? ये सर कंट्रोल आपने कहा था जब यू होल्ड मोर देन 50%, यहां तो 80% शेयर एक्वायर किया, तो माइक्रोसॉफ्ट पे नाउ कंट्रोल हैज कम। बट व्हाट विल बी दैट डेट फ्रॉम विच द कंट्रोल विल बी मेंटेन्ड? कहता है कि रिलेवेंट डेट्स आर डेट ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, जिस दिन शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भैया आप इतने 80% शेयर्स आप उसमें लेंगे, वो 1 जून है। अपॉइंटमेंट डेट एज पर द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, अपॉइंटेड डेट, जिस दिन पे अपॉइंटेड हुआ कि हाँ जी सीओसी आपका जो है अब इसमें कंफर्म्ड है कि आपका यहाँ पे शेयर्स लेंगे, वो क्या बता रहा है 1 अप्रैल, ठीक है। डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा ना बोर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर में आपने क्या किया जी, कंट्रोल ऑब्टेन किया, मतलब अब आपके मुताबिक काम हो रहा है, वो डेट कहता है कि 1 जुलाई है। डेट ऑफ पेमेंट, आपने जो कंसिडरेशन पे किया, परचेज कंसिडरेशन जो आपने पे किया, वो कहता है कि 15 जुलाई है। और डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू सीओसी, जो शेयर जो थे माइक्रोसॉफ्ट के 80% जो इनको ट्रांसफर किया गया, वो 1 अगस्त। बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन कब से काउंट किया जाएगा? हमने कहा है आपको जिस दिन आपका कंट्रोल मेंटेन हुआ। कंट्रोल मेंटेन करने का मतलब मेरे बच्चे आप उनके वर्किंग में अब आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। और डेट हमें क्या देख रहा है, द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2021। तो आप यहां पे 1 जुलाई 2021 को आप बोलेंगे कि ये एक्विजिशन डेट है। बाकी बातें कैसे आप इसको पढ़ के लिख लेंगे, आप वही बातें समझा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैंने कहा जी पहले तो आपका एक्वायरर को पता कीजिए, फिर एक्विजिशन डेट। नाउ कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब आपका तीसरा स्टेप होगा कि ये पता करने के लिए कि भैया ये कंपनी जो आपका बिकी है, ये जो आपका रिलायंस बिक गई, ये जो हच बिक गई, आखिर इसका कीमत कितना तय किया जाएगा। कीमत, मेरे प्यारे बच्चों मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, मैं उनका डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके पहले इसको मिटा के मैं कुछ समझाना चाहता हूं। सर इसको लिख ले, थोड़ा सा ठहरो ना, मैंने यहां जगह छोड़ा ना, अब जब मैं जो यहां पे कराऊंगा आप मेरे साथ करो, उसको छोड़ो, हम उसको बाद में देखेंगे, है अभी समय हमारे पास आपके साथ समय गुजारने के लिए, अभी छोड़ो उसको, आप यहां सुने मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। आप हेडिंग लिखो, एक काम करना अपने रजिस्टर का जितना देख रहे हो जगह की रिक्वायरमेंट होगी ना उतना जगह छोड़ दो आप, और उसके बाद लिखो आप यहां पे हेडिंग डालेंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे आप यहां पे परचेज कंसिडरेशन। सर ये पहले हेडिंग डाल दो आप परचेज कंसिडरेशन, इसके अंदर लिखो आप यहां पे मीनिंग ऑफ, इसको शॉर्ट में अगर पीसी कहूं तो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि इवन एग्जाम में भी कहता है कि पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन, लिखेंगे आप यहां पे इट इज
द अमाउंट, इट इज द अमाउंट, लिखेंगे आप मेरे साथ, इट इज द अमाउंट पेबल बाय, पेबल बाय, पेबल ऑब्लिक पेड कर दो, पेबल ऑब्लिक पेड बाय, इट इज द अमाउंट पेबल ऑब्लिक पेड बाय द एक्वायरर एंटिटी, या द एक्वायरर कर दो सिर्फ, एक्वायरर जिसने एक्वायर किया, बाय द एक्वायरर टू द, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी, एक्वायरी एंटिटी, एक्वायरीज एंटिटी, है ना? फिर बच्चे एक्वायरीज बिजनेस कर देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, एक्वायरीज बिजनेस। कहता है यहां पे ध्यान रखेंगे, पीसी का मतलब होता है इट इज द अमाउंट पेबल बाय, पेबल या पेड बाय द एक्वायरर, मतलब जो कंपनी जिसने परचेज किया, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी बिजनेस। मैंने एक बात ध्यान देना, मैंने यहां पे बात किया इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी में दो तरीके के ओनर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। क्योंकि आप इंडेक्स की स्टडी कर रहे हो और इंडेक्स वन को आपने पढ़ते समय देखा था कि मेरे बच्चे इंडेक्स वन के मुताबिक, या कह दो इंडेक्स के मुताबिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना वो कंपनी के मालिक नहीं होते इफ दे आर रिडीमेबल, है ना? यहां पे जो इरिडीमेबल है, जो परमानेंट सोर्स है कंपनी में ओनर इक्विटी का, आपका पैसे का, वही यहां पे क्या होगा, ओनर कहा जाएगा। तो परमानेंट सोर्स यहां पे कौन हुआ, इक्विटी हुआ। इसलिए ध्यान रखना हमेशा अमाउंट पेबल बाय द एक्वायरर, मतलब जो नई कंपनी ने जिसने परचेज किया। एक्वायरर का मतलब मैं यहां बता दूं क्या, लिख दो यहां ब्रैकेट में सीओसी हमारे एग्जांपल के मुताबिक, और यहां पे एक्वायरी का मतलब क्या हो गया, रिलायंस। तो रिलायंस के बिजनेस को जो आपने परचेज किया, तो उनके इक्विटी यानी कि मालिक को जो भी कुछ पे किया, हम उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। मैंने इस परचेज कंसिडरेशन पे अभी बहुत सारी बातें आने वाली हैं, लेकिन उसके पहले सिंपल सिंपल शब्दों में कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया हुआ है। आप जरा आ जाओ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 17, जरा समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाले जाते हैं और क्या क्या इसका मतलब होता है। आओ ना, आप जरा बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 17 एक बार मेरे साथ देखिए, यहां से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, है ना? बस ध्यान रखना कि जो भी कुछ आप नई कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे करते हो ना बच्चे, हम उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। पढ़ेंगे आप यहां पे 17 क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ हच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। हच कंपनी मतलब मैंने आपको यहां पे वो एक्वायरी कंपनी की बात की है जो बिक रही है एक्चुअली। इसका लैंड बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैश है, गुडविल है आपको यहां पे, इनके इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व बता रहा है, डिवेंचर्स है और क्रिएटर्स बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना? बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय वोडाफोन लिमिटेड। कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, कीजिए अंडरलाइन फेयर वैल्यू, आप करेंगे यहां पर अंडरलाइन फेयर वैल्यू। पता है क्या है मेरे बच्चे, मैं इसे समझाऊंगा आपको। जब हम पीसी निकालते हैं ना, पीसी, तो पीसी निकालने के हमारे पास जो तरीके हैं, इसमें क्या है कि अगर मुझे पता करना है कि सीओसी रिलायंस के इक्विटी वालों को कितना पे करेगा, तो पता क्या करेंगे, मैं इनके बिजनेस को वैल्यू करूंगा कुछ इस तरीके से। कहते हैं पीसी इज इक्वल टू क्या, कहते हैं कि ऑल एसेट्स टेकन ओवर बाय एक्वायरर एट फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के अंदर में आप इस प्रोडक्ट को जितने में बेच सकते हो, है ना बच्चे? हमने इसका डिस्कशन पहले भी इंडेक्स वन में, इंडेक्स टू में, कई जगह हम लोगों ने किया हुआ है। तो कहते हैं कि पीसी जब हम निकालेंगे कि यार मैं इनके इक्विटी वालों को कितना पे करूं, तो इस कंपनी के जितने भी आपके एसेट्स हैं ना, उनकी आज पता कर लेना फेयर वैल्यू कितनी है। इसमें से आप क्या करना, लेस कर देना। अगर मान लो आपके एसेट, सपोज दैट, मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना, 50 लाख रुपीज के, मान लो आपके एसेट्स की फेयर वैल्यू 50 लाख रुपीज है, लेस, आप इसमें से ऑल लाइबिलिटीज नो डाउट की इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो भी हमारे लाइबिलिटीज है मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। तो पीसी क्या होगा, जितने भी एसेट्स हैं टेकन बाय एक्वायरर
है ना, एट फेयर वैल्यू लिफ्ट ऑल लाइबिलिटीज आपका इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स टेकन ओवर बाय एक्वायरर एट फेयर वैल्यू। मतलब जो लाइबिलिटीज का आज का पेबल अमाउंट होगा हम उसको माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा हम उसी को कह देंगे आपका पीसी है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि इतने बड़े बच्चों को ज्यादा समझाओ। रिलायंस कंपनी को मान लो परचेज किया, तो मैं क्या करूंगा उनके जितने सारे एसेट्स हैं उनको मैं क्या करूंगा जी, वैल्यू करूंगा। बिजनेस के अंदर में उनके जितने सारे एसेट्स को उनको मैं वैल्यू करूंगा, तो जितने भी एसेट्स उनके हैं उनको वैल्यू किया गया इतने पे, आज उसके फेयर वैल्यू इतनी है ना बच्चे। उसके बाद अगर मैं उनके बिजनेस को ले रहा हूं, उनका एसेट्स लूंगा, लायबिलिटी भी लूंगा, तो अगर आपका एसेट्स इतने का है, इसमें से जितना पैसा मुझे लायबिलिटी वालों को पे करना, वो थोड़े आपको इक्विटी वालों को दूंगा, तो उसमें से लायबिलिटी वालों का क्लेम माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वही हम क्या करेंगे जी, इक्विटी वालों को पे करेंगे। पीसी का मतलब क्या हुआ, ये पीसी का मतलब ये अमाउंट पेबल टू, जो हमें पे करना होगा, पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी, मतलब जिसके बिजनेस को परचेज कर लिया वो एक्वायरी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पे किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे आपका पीसी कहेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो पीसी निकाला, इट्स वेरी सिंपल, आपका मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, आओ एक बार चेक कर लेते क्या निकल के आता है जी आपका। यहाँ पे चेक करेंगे आप, यहाँ पे 17 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। सर मान लो आपका क्या जरूरी है कि नई कंपनी आपके बिजनेस के सारे फिट्स को लेकर जाएगी? जरूरी नहीं है। लिख लो नोट, यहाँ पे लिख लो नोट, नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट नंबर 1, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन, वी एज्यूम दैट that acquirer has taken all assets and liabilities of business of acquiry। मतलब पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे, पॉसिबिलिटी है कि भैया मैं आपका सारा एसेट्स लेके जाऊंगा बट मशीन आपका काम करे मैं उसको टेक ओवर नहीं करूंगा, मैंने बाकी सारा सेगमेंट ले लिया, ये भी बिजनेस परचेज हुआ क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस को परचेज कर रहा हूं एक्सेप्ट मशीन। ये पॉसिबिलिटी है कि मैं आपके सारे सेट्स लायबिलिटी को टेक ओवर करूंगा, इस लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं करूंगा, आप खुद पेमेंट कर देना जी, है ना। तो पॉसिबिलिटीज है लेकिन कुछ क्वेश्चन में ना बताए तो आपको यही मानना है एग्जाम के लिए कि सारे सेट्स और सारी लायबिलिटी वो लेकर गया। अगर मान लो नोट नंबर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हमारे जो एसेट्स है लायबिलिटी है दे आर टेकन ओवर एट द फेयर वैल्यू, आज के डेट पे उसकी वैल्यू क्या है जी, फेयर वैल्यू, चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर में किसी पर्टिकुलर एसेट्स का फेयर वैल्यू ना बताया फिर क्या करेंगे, तो लिखेंगे आप यहां पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, इफ फेयर वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक एसेट ऑब्लिक लायबिलिटी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन अगर ना दे कॉमा, वी एज्यूम दे आर इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आएंगे उसके लिए समझाया जा रहा है, ऐसे रियल लाइफ में तो ऑब्वियस बात है एग्रीमेंट जब होगा तो कौन सी चीज कितने पे एग्रीमेंट की गई है, किसका कितना फेयर वैल्यू, तो आपको पता रहेगा ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके लिए मैं आपको बातें समझा रहा हूं। आओ ना एक बार 17 क्वेश्चन का फटाफट हम यहाँ पे क्या करें आपका सॉल्यूशन करके देखें पीसी क्या होता है। मैं एक्चुअली पता क्या चाहता हूं, मैं अभी इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं ना इसको सिर्फ मिटाऊंगा, मुझे एक्चुअली यहां पे लिखना क्योंकि अभी इसमें मुझे कुछ समझाना है मेरे बच्चे। परचेज कंसिडरेशन एग्जाम में निकालने के लिए आ जाए हमारे स्टेप नंबर 3 के अंदर में, तो वो कैसे कैसे निकलेगा वो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। तो अभी मैं ये नोट अब हटाऊंगा, अगर लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करें लिख ले आप, ठीक है ना। और मैं अब आपको यहां पे कुछ बताना चाहता हूं। आओ जरा आज तो इस चैप्टर पे इतना हमें कमांड कर लेना है ना कि बस दुनिया में बस एक ही इंसान दिखे वो आप और कुछ नहीं,
या तो ये क्वेश्चन बाकी लोगों को मार देगा या फिर कोरोना बाकी लोगों को मार देगा, बट आपको कुछ नहीं होने वाला। ये कोरोना या कुछ भी दुनिया में कुछ भी कर दे, आप पे असर नहीं कर सकता आज की क्लास को समझने के बाद, ठीक है ना। तो आओ जरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बुकलेट का। कहता है कि नीचे में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स वेयरएज अंडर लैंड बिल्डिंग मशीन गुडविल, और कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वे टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। क्यों बताया तुमने? अरे क्यों बताया? वो कहता है कि लायबिलिटी का जो फेयर वैल्यू होगा वो जो बुक में वही मान लो, ना बोलते तो भी मैं बुक में ही मानता, नोट नंबर लिखाया था मैंने 2 आपको, बट एनीवे कोई बात नहीं। कहता है कैलकुलेट पीसी परचेज कंसीडरेशन, चलो ना मैं निकालता हूं, लिखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। हम कैसे ये पीसी निकालेंगे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करना, एक तो एसेट्स जो है, एसेट्स ऑफ एक्वायरी टेकन एट फेयर वैल्यू हम यहां पे कंसीडर करेंगे। एक्वायरी के जिन एसेट्स को हमने टेक ओवर किया उनकी फेयर वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं मेंशन नहीं किया कि आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे, मतलब सारे एसेट्स सारे लायबिलिटी। तो बताओ ना कौन कौन से नाम दिख रहे हैं आपको, लैंड बिल्डिंग। आप मुझे बताइए बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग जो है वो आपका 5 लैक्स का था, लेकिन आज उसकी फेयर वैल्यू पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक कितना बता रहा, 7 लैक्स। तो ठीक है हम आपके एसेट्स को 7 लैक्स में टेक ओवर कर लेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं सर। फिर कहता है कि बैलेंस शीट में आपका मशीन जो 2 लैक्स का था आज उसकी वैल्यू कहता है 150 है, मतलब फेयर वैल्यू कम हो गया। तो ठीक है कोई बात नहीं, अरे बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया, क्या फर्क पड़ता है, ये 150 का अमाउंट हमने ले लिया। फर्नीचर बैलेंस शीट में 3 लैक्स का है, यहां नीचे में आपको कुछ नहीं बता रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि ये फर्नीचर का वैल्यू उतना ही है जितना बुक में, यानी कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट। सर इसको नील ना मान ले, ना मेरे बच्चे ना, आपको इसी एजम्पशन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। फर्नीचर हो गया, डेटर्स जो बैलेंस शीट में 4 लाख के थे नीचे कुछ नहीं बता रहे, तो हम क्या मानेंगे कि डेटर्स भी जो है फेयर वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज का अमाउंट, ये 4 लाख का अमाउंट हो गया। फिर कहता है आपका यहाँ पे कैश 2 लाख रुपीज, नीचे कुछ ना बताया तो कैश उतना ही आपका, यानी कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट। और फिर गुडविल जो बैलेंस शीट में आपकी है, कितने की गुडविल जो बैलेंस शीट में 5 लैक्स की थी, नीचे कहता है कि आज गुडविल की वैल्यू 8,50,000 है, तो ठीक है उसकी फेयर वैल्यू हमने क्या किया, 8,50,000 ले लिया, कोई डाउट इसमें नहीं सर। तो जो आपके एसेट से जरा बताओ ऐड करके कि आखिर कितने के निकल के आए जी टोटल, है ना। आप सीओसी क्या कर रहा है, अगर मान लो, माफ कीजिए सीओसी नहीं, वोडाफोन यहाँ पे हज को परचेज कर रहा है, तो हज के सारे एसेट्स बिजनेस का मतलब क्या, सब मेरे साथ आ गया, तो बताओ कितना हो गया आपका, 26 लैक्स का अमाउंट। ये 26 लैक्स रुपीज का अमाउंट निकल गया, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे जी, लेस कर देंगे लायबिलिटीज ऑफ एक्वायरी टेकन एट फेयर वैल्यू, है ना। जितना लायबिलिटी को, जिन जिन लायबिलिटी को हमने टेक ओवर किया है उसके फेयर वैल्यू, और सब कुछ लिया हमने, तो लायबिलिटी में क्या दिख रहा है, एक तो क्रेडिटर्स मुझे दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें 10% डिवेंचर्स यहाँ पे दिख रहा है, और यही नहीं मुझे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिख रहा है। बच्चे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या, लायबिलिटी तो है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बताया मैंने आपको इंडेस 101 के अंदर में। तो मुझे ये बताओ कि आपके लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितना, 3 लैक्स, पे कितना करना है, कुछ भी नहीं कहता है, तो 3 लैक्स रुपीज। डिवेंचर्स जो आपके हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में 7 लैक्स, कुछ ना बताया तो पूरे 7 लैक्स रुपीज। और वो जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में है, ये मानते हुए कि दे आर रिडीमेबल, कुछ ना बताया तो हमेशा क्या मानेंगे जी, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, इरिडीमेबल होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, और इरिडीमेबल होगा तो क्या करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, फिलहाल अभी यहाँ पे आप आइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 5,50,000, ये 550 का अमाउंट आपका हो गया। तो मुझे बताओ बाहर कितना, 1550, आपने 1550,000 का अमाउंट यहाँ पे माइनस किया, तो नाउ यू विल गेट द अमाउंट ऑफ पीसी। बताओ पीसी कितना, ये 26 लाख रुपीज के अमाउंट में से अगर हम माइनस करते हैं 1550, तो मेरे बच्चे अमाउंट आ जा रहा है 10,50,000 का अमाउंट।
शायद हो सकता है फिगर कट रहा हो, तो देख लेना, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा अभी, बट ये 10,50,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है। कट रहा फिगर? नहीं कट रहा, ठीक है। तो 10,50,000 आपका यहाँ पे निकल के आया। ये पीसी हो गया मेरे बच्चे, मतलब परचेज कंसिडरेशन। कोई डाउट? नहीं सर, मैं कुछ अब आपको समझाना चाहता हूँ। हो सकता है एक दो दिमाग में सवाल आ रहे हो आपके कि सर एक बात बताओ, पहला सवाल ये तो आपका डिवेंचर्स के आगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, उसको कुछ नहीं करेंगे? ऑब्वियस बात नहीं करेंगे, कुछ पेबल होता तो ऑब्वियस क्वेश्चन बताता, ना बताया तो मैंने लिख दिया था जी बुक में जितना उतना ही मानेंगे, तो वही रहा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमने हटा दिया। सर ये रिजर्व, रिजर्व तो इक्विटी वालों का है, वो थोड़े प्रेफरेंस आपका किसी का होता है जी, तो अगर उसमें प्रेफरेंस कुछ हिस्सा होता तो क्वेश्चन बताता, ना बता तो हमेशा इक्विटी वालों का मानेंगे, मतलब वो आपका लायबिलिटी नहीं है। तो हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटी ये 10,50, कोई डाउट? नहीं सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, परचेज कंसिडरेशन एग्जाम में अगर आ जाता निकालने के लिए तो आप ध्यान रखना, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पीसी। कुछ लोग और अगर मैं AS-14 की बात करूं ना, AS-14 की बात, तो कुछ लोग इसको कहते हैं, इस मेथड को, ये जो मेथड आपका है नेट एसेट्स मेथड, है ना, ये इंडेक्स के अंदर में मेंशन नहीं है कि दिस इज नेट एसेट्स मेथड, बट मान लो, है ना, कहीं भी ऐसा नाम मेंशन नहीं है। नेट एसेट्स का मतलब क्या जी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सिंपल सी बात आपको निकल के आ रही है कि एसेट्स जितने पे हमने टेक ओवर किया, लायबिलिटी और पीसी निकल के आया, ठीक है। मतलब इसलिए बता दिया कि कहीं एग्जाम में आ जाए कि भैया कंपनी का नेट एसेट्स इतना है, अभी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस कंपनी को आपने परचेज किया उसका नेट एसेट्स जो है 10,50,000 का है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि एसेट्स में लायबिलिटी के फेयर वैल्यू को माइनस करने के बाद का अमाउंट बता रहा है, ठीक है। ये सर अब सुनो, यहां पर नजर, यहां नजर, यहां आपसे कुछ बात कर रहा हूं। एक बात बताओ कि अगर वोडाफोन ने हज कंपनी को परचेज कर लिया और वोडाफोन ने कहा हज को कि देखो जी हम ये 10,50,000 पे करेंगे, मुझे बताओ ये 10,50,000 किसको पे किया जाएगा? बोलो बोलो, ये 10,50,000 जो अमाउंट है वो वोडाफोन हज कंपनी को देगी ना बच्चे, तो कंपनी के किसको देगी? कॉमन सेंस है, मालिक को। अरे मालिक को, और कंपनी का मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है कि वोडाफोन हज कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पेमेंट करेगी फॉर एक्वायरिंग देयर बिजनेस। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। पता मैं क्यों ये आपको नहीं मिटाया था, क्योंकि मैंने लिखा था अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायरी, यही वो अमाउंट है, यही वो अमाउंट है जो कि एक्वायरी के इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ ये जो मेथड आपको मैंने बता दिया ना, हमने क्या बोला जी? हो सकता है लोग यानी कि एग्जाम में कह दे कि नेट एसेट मेथड से आप पीसी निकालो, तो आप परेशान थोड़े होंगे। नेट एसेट का मतलब कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लिख लो यहाँ पे आप, इसको नेट एसेट कहते हैं। और पीसी जो निकल गया, टू होम दिस अमाउंट विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर द ओनर ऑफ दैट एक्वायरी कंपनीज। क्लियर? यस सर। पता मैं क्या बताना चाहता हूँ, एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, अक्सर क्या करता है, एक्चुअली अक्सर की बात करता हूं, वो हज कंपनी का एसेट्स कितने में बिका, हज कंपनी के लायबिलिटी को कितना पे करना है, क्वेश्चन आपको नहीं बताता। वो नहीं बोलेगा कि भैया एसेट्स को इतना पीसी निकालने के लिए, वो पता क्या करेगा, वो आपको साफ साफ शब्दों में यह बता देगा कि इनके जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, हम उनको कितना कितना और क्या क्या देंगे। मतलब सर मैं आपको समझाता हूं, इसको मिटा दूं पहले। ये सर लो, मैंने इसको मिटा दिया। अब आप ना मेरे साथ, मेरे जैसे आप सोचना शुरू करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ये मानते हुए कि आपने आज तक इंडेस 14 को, माफ कीजिए एस 14 जो इंडियन गैप का, आपने पढ़ा ही नहीं है मेरे बच्चे। अगर वो दिमाग में ना लेकर चलू ना तो फिर काम खराब होगा। और आप में से जितने बच्चे एस 14 कभी बचपन में पढ़े होंगे तो वो थोड़े से हो सकता है कि मतलब उनको गुस्सा आ रहा हो कि सर क्या कर रहे हैं, बट गुस्सा नहीं करना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, एक बार विश्वास तो करो मेरे ऊपर में, देखो तो मैं क्या बता रहा हूं। ये जो आपका पीसी निकल के आया, मैं लिख रहा हूं, आपने लिखना 10,50,000, कैसे निकल के आया जी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कोई डाउट? नहीं सर। मुझे बताओ ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, ये दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ आपका हच लिमिटेड, हच यानी कि जो एक्वायरी कंपनी है
उनके इक्विटी वालों को पे किया जाएगा। कौन देगा? वोडाफोन देगा, वोडाफोन देगा, है ना बच्चे? मुझे बताओ ये जो पेमेंट किया जाएगा इनको वोडाफोन देगा, वोडाफोन कंपनी यानी कि नई जो कंपनी है, जो एक्वायरर कंपनी है, वो एक्वायरर कंपनी ये 1050 इनको कैसे कैसे दे सकती है, क्या क्या दे सकती है? इमेजिनेशन में आओ ना, आपको अच्छा लगेगा। अगर मान लो मैंने क्या किया है, आपकी कंपनी को परचेज कर लिया, तो आपकी कंपनी को मैं कितना पे करूंगा? 1050। ये 1050 जो मैं आपको पे करूंगा वो कैसे पे करूंगा बताओ? आपको मैं कैसे कैसे दे सकता हूं? अरे या तो आप मुझसे कैश ले लो, 1050 दे रहा है ना, लो कैश, लो कैश देने को तैयार हूं मैं, यही तो है। या फिर मैं आपको दे सकता हूं अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर्स। वोडाफोन ने कहा कि ठीक है जी, हमें आपको 1050 पे करना, ये लो हमारे कंपनी के शेयर्स 1050 के, ये भी तो हो सकता है। मैं दे सकता हूं अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने कहा कि 1050 देना है, ये लो मैं अपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स देता हूं, मैं अपने कंपनी का आपको डिवेंचर देता हूं। अरे कुछ भी दे सकता हूं मैं, कोई स्पेसिफिक एसेट देता हूं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ा था जी, बिल्डिंग पड़ा हुआ था, मशीन पड़ा हुआ था, कुछ भी दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, है ना? तो जो भी मैंने दिया, कैश दिया, इक्विटी शेयर दिया, तो कौन सा? एट फेयर वैल्यू। आज उसकी वैल्यू कितनी है? प्रेफरेंस फेयर वैल्यू सर लिखे नहीं, सुनो तो मेरी बात, ये फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू मतलब जो भी कुछ मैंने आपको दिया, जो भी कुछ मैंने आपको दिया, उन सबको आप ऐड कर दो तो भी तो आपका पीसी निकल के आ जाएगा। मतलब सर मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम में हो सकता है कि आपको इस तरीके से बताने के बजाय क्वेश्चन ये बोल दे कि ओल्ड यानी कि जो हज कंपनी की इक्विटी है ना, हज कंपनी की इक्विटी, उनको इन इन चीजों से इतना इतना पेमेंट हुआ। वो कह सकता है कि हमने उनको 3 लाख रुपीज कैश दे दिया, कह सकता है कि वोडाफोन ने अपने 2 लाख की इक्विटी शेयर्स दिया, कह सकता है कि वोडाफोन ने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स दिया, कह सकता है कि डिवेंचर छोड़ दो, उसने अपना एक बिल्डिंग दिया जी जो कितने का था आपको, 450 का, कह सकता है मेरे बच्चे। तो इनको भी ऐड करोगे तो क्या 1050 निकल के आएगा? अगर मैं इसी से लिंक कर रहा हूं तो जितनी वैल्यू आपकी बनेगी उतना ही तो पे करूंगा। मेरे कहने का मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके मालिक को कितना पे किया गया, और इन्हीं बात को बताने के लिए मैं आपको लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। 18 ध्यान रखना, ये परचेज कंसिडरेशन जो होता है, इट इज द अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ओनली इक्विटी, क्योंकि मालिक यहां पर सिर्फ इक्विटी होते हैं, इनके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 18, मैं अब इसको मिटाऊं और मैं आपको यहीं पे 18 क्वेश्चन दिखाऊं, 18 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखाऊं, लिखेंगे आप यहां पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। कहता है 18 में कि बैलेंस शीट ऑफ एटलस लिमिटेड एज ऑन 31 आपका 31 मार्च 2021, कहता है कि 31 मार्च को आपका एटलस, पता है ना एटलस कंपनी, इसकी भी स्थिति खराब हो गई है, ये भी कंपनी अब बिकी जाएगी कुछ समय में मुझे लगता है इस तरीके से, बट एनीवे कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ एटलस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। एसेट्स आपके 21 लाख के हैं। फिर कहता है आपका यहाँ पे आप चेक करेंगे लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल। सर बैलेंस शीट आपने ऐसा क्यों दिया? कुछ भी हो जाए, मैं आगे जितने बैलेंस शीट इस चैप्टर में बनाऊंगा नए फॉर्मेट में ही बनाऊंगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके किसी तरीके आ सकता है, लेकिन बैलेंस शीट जब भी बनेगा तो एज पर इंडेक्स 1 ही बनेगा, याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि एक शेयर 10 रुपए वाले आपका 350 के है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि 550 है। जनरल रिजर्व कहता है कि 2 लाख है। लायबिलिटी कहता है कि 10 लाख है। नीचे कहता है बिजनेस ऑफ एटलस लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब बाई सीओसी लिमिटेड, सीओसी इज द एक्वायरर, इसने एक्वायर किया किसके बिजनेस को? एक्वायरी यानी कि एटलस कंपनी के। कहता है कि सीओसी लिमिटेड वाज इशूड विल इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन एटलस लिमिटेड। मेरे बच्चे एटलस लिमिटेड यानी कि जो आपका एक्वायरी कंपनी है उसमें अगर 2 इक्विटी शेयर्स है ना, तो ये आपको यहां पे कितने शेयर्स देने को तैयार है? 3 शेयर्स देने को तैयार है। देखो ना एटलस में मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना यहां पे, एटलस कंपनी जो है, एटलस अगर इसमें 2 शेयर्स हैं तो
जो सीओसी है वो आपको 3 शेयर्स देने को तैयार है ना। तो ये जो आपका दो शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स देने को तैयार है, इस रेशियो को हम स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में या फिर आपका फाइनेंस के अंदर में हम स्वैप रेशियो के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो का मतलब क्या हुआ जी, कि ओल्ड कंपनी में कितने शेयर्स के बदले में नई कंपनी में कितने शेयर्स मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो आपका जनरली, समझो मेरी बात ना, ये स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में या फाइनेंस के अंदर में इस वर्ड हम यूज करते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। पढ़ेंगे आप यहाँ पे फिर से एक बार, कहता है कि बिजनेस ऑफ एटलस लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय सीओसी, सीओसी लिमिटेड विल इशू 3 इक्विटी शेयर। सीओसी कितने देंगे? 3 शेयर्स देंगे जी एटलस के, 2 के बदले में, ठीक है। और सीओसी का 1 शेयर कितने का है? 15 रुपीज का, दैट इज द फेयर वैल्यू, यानी कि आज की वैल्यू है। सीओसी फिर कहता है विल इशू 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर इन एटलस लिमिटेड। बोलता है बताओ पीसी कितना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, लिखिए यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन पीसी। अब यहां पे एक बात उठता है कि यार ये जो पीसी मैं निकालूं यहां पे तो आपका कोई एसेट्स कितने पे गया, लायबिलिटी कितने पे गया, आपको तो बता ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था 2 तरीका आपको होगा, या तो ये बताएगा जी, या फिर ये पैसा मालिक को कितना कितना कैसे कैसे पे किया गया वही बता देगा, कितना कैश दिया कितना क्या दिया, वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ पीसी ऑफ क्या नाम है उस कंपनी का, एटलस लिमिटेड। आइए एटलस को हम लोग कितना पे करेंगे हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक तरीका मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मेट आपका छोटा सा 2, फिर आप लिखेंगे यहां पे इन। 2 का मतलब हो गया कि एटलस जो आपकी कंपनी है यानी कि एक्वायरी है ना, इन यानी कि नई कंपनी, नई कंपनी का नाम क्या है जी, एक्वायरर कौन है, सीओसी। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, कैलकुलेशन कर लूंगा और कैलकुलेशन करके यहां पे अमाउंट पता कर लूंगा एंड विल गेट द पीसी आपका। सर मतलब मैं आपको बता दूं, पहले यहां पे लिख देता हूं 2 रिप्रेजेंट्स यहां पे एक्वायरी है ना, जिसको एक्वायर किया गया है। इनका मतलब यहां पे कौन है, एक्वायरर है, एक्वायरर जिसको, जिसने एक्वायर किया। और कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बता दूं, मुझे बताओ कि एक्वायरी के किसको पेमेंट किया जाएगा, एक्वायरी के किसको पेमेंट किया जाएगा, मालिक को। और इसका मालिक कौन होता है, तो इक्विटी शेयर्स। क्या इसके सिवाय कोई और भी मालिक होता है? नहीं सर। प्रेफरेंस होता है क्या मालिक? नहीं होता। क्या डिवेंचर्स मालिक होते क्या? नहीं होते। सिर्फ इक्विटी। कसम खा लो कि आपका जो एक्वायरी कंपनी है, ओल्ड कंपनी जो बिक गई है, उसके सिर्फ मालिक को, इक्विटी को। नई कंपनी जो भी कुछ पे करेगा, जरा बताओ पढ़कर क्या क्या पे किया जा रहा है। सर पॉइंट 1 के मुताबिक इक्विटी को ना नई कंपनी इक्विटी शेयर देने को तैयार है। ऑब्वियस बात है, मैं कुछ भी दे सकता हूं। तो ओल्ड कंपनी की इक्विटी को नई कंपनी में इक्विटी दिया जा रहा है कितने, आओ चेक कर लेते हैं। जरा बैलेंस शीट देख के बताओ कि बैलेंस शीट में एटलस लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स के नंबर कितने हैं, नंबर कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। तो 3,50,000 का अमाउंट दिख रहा है, 1 शेयर आपका 10 रुपए का है, तो नंबर कितना हो गया, 35,000। मेरे बच्चे उस 35,000 को पहले आप यहां लिख दो, ये 35,000 ओल्ड कंपनी की इक्विटी शेयर्स है। तो अगर ओल्ड कंपनी में 35,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो इनको नई कंपनी में कितना शेयर्स मिलेगा, देखो हम कैसे निकालते हैं। ये शेयर्स किसके हैं, ओल्ड कंपनी के। ये शेयर्स किसके बच्चे, ओल्ड कंपनी के। तो अगर ओल्ड कंपनी के शेयर्स है ना, तो बताओ इसमें ओल्ड कंपनी का रेशियो कौन सा है, 2 डिवाइड करो, जिसके बराबर हम उसे डिवाइड करते हैं। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो आपने 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा। और जिस कंपनी में शेयर्स निकालना है कि सीओसी में कितना मिलेगा, तो उसके रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितने शेयर्स निकल के आ गए चेक करो, आई थिंक 52,500 आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। 35,000 डिवाइड बाई 2 × 3, यस ये आ गया 52,500 शेयर्स। अरे आप सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को नई कंपनी पेमेंट कैसे कर रहा है, इक्विटी शेयर्स में। नई कंपनी कितने शेयर्स दे रहा है, इतने शेयर्स। अगर ओल्ड कंपनी में 35,000 शेयर्स थे तो नई कंपनी इतने शेयर्स देने को तैयार है। और जरा बताओ कि नई कंपनी में 1 शेयर की वैल्यू कितना बता रहा है, 15 रुपीज। 10 का शेयर था बट आज उसकी वैल्यू कितना बता रहा, 15 है ना, फेयर वैल्यू। आज की वैल्यू पे हम इसको देखते हैं, तो जरा बताओ इनटू 15 कितना निकल के आ गया।
ये आ गया 7,87,500 मेरे बच्चे, यही आपका पीसी हो गया, पीसी 7,87,500। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास अगर जो कंपनी बिक रही है जिसपे हमारा कंट्रोल हो रहा है, हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट कितना करना होगा वो हमें डिसाइड करना होगा जी स्टेप नंबर 3 के अंदर में। और पीसी को निकालते समय हमने कहा कि हमारे पास दो तरीका है, एक तो आपको मैंने बताया नेट एसेट्स मेथड, आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन में या तो आपको ऐसे दिया रहेगा या फिर आपका नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब हो गया जी कि कितना कितना पेमेंट किसको किसको कितना किया जाएगा, वो हम इसको पता क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। ये नेट पे मतलब एग्जाम में ये नाम दे देना तो आप परेशान मत होना कि अरे ये नेट पेमेंट मेथड क्या होता है। सिंपल सी बात है, जितना पेमेंट किया गया मालिक को उसको ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। सर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 भी है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स को नई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। आप ऐसे ऐसे अब सवाल ना करो, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि प्रेफरेंस वाले जो होते हैं दे आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, तो उनकी बात क्यों कर रहे हो आप। ये तो बोल सकता था पॉइंट नंबर 3 में कि क्रिएटर्स को हमने इतना पेमेंट कर दिया, डिवेंचर्स को इतना पेमेंट कर दिया, थोड़े कंसिडर कर लूंगा। अरे राह पे चलते हुए बहुत लोग मिलते हैं, सबको हाय हेलो थोड़े करते हो, अपने जो होते हो उन्हीं ना। यहाँ पे अपना सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी को कितना पेमेंट किया गया वो आपका बात है, कोई डाउट इसके अंदर में? और हाँ, इसको हम बोलते हैं नेट पेमेंट। एक्चुअली ये जो मेथड है ना, ये वाला आपका, ये कहते हैं प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल मेथड। प्रेफरेबल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे तो रियल लाइफ में ऑब्वियस बात है, रियल लाइफ में जो ये अमाउंट आएगा बच्चे पेमेंट हम उतना ही करेंगे। आप बड़े बच्चे हैं, आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, जितना वैल्यू आएगा उतना ही तो पे करूंगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको क्वेश्चन आ गया पीसी निकालने का और दोनों ही मेथड की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ एसेट्स लायबिलिटी के बारे में बता देगा कि भैया एसेट्स इतने पे, लायबिलिटी इतने पे, और कुछ आपका पेमेंट भी बता देगा जी कि मालिक को कितना कितना पेमेंट किया गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन 16 मार्क्स में सब निकल के आए हुए। तो पॉसिबिलिटी है अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसे रियल लाइफ में क्या होगा, इससे निकालो चाहे इससे निकालो पीसी तो सेम आएगा रियल लाइफ में। एग्जाम में डिफरेंट आ सकता है क्योंकि दिस इज नॉट रियल लाइफ। एग्जाम में एग्जामिनर परेशान करने के लिए यहां पे कुछ आपके क्लॉजेस डाल देगा और इससे अलग आंसर, इससे अलग आंसर निकल के आएगा, मैं क्या करूं। तो दिस इज प्रेफरेबल मेथड। अगर हमें, हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा मोटिव होगा पहले ये पता चल जाए कि भैया ओल्ड कंपनी की इक्विटी को कितना कितना पेमेंट किया गया वो बता दो। अगर आप मुझे ये बता दोगे तो फिर हम इसी से निकालेंगे, अगर ये नहीं बताओगे तब ये काम करेंगे। मेरे बच्चे यहाँ पे कई सारे एजम्पशन है रियल लाइफ एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए यहाँ पे कई सारे एजम्पशन है कि अगर मान लो किसी एसेट्स के बारे में ना बताओ कितने में गया तो बुक वैल्यू मान लेना, लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बताओ तो क्या मानेंगे, यहाँ एजम्पशन है। इससे हम इतना ज्यादा इसको फेवर नहीं करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे हमारा पीसी निकल के आ जाए, नहीं निकलता तो ही हम यहाँ पे जाएंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, आओ ना। जब बात उठी गई है तो हम एक क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 19 आपका, थोड़ा और मास्टरी हमारी हो जाएगी, हमें थोड़ा और मजा आ जाएगा। सर इसको मिटाए, अभी थोड़े मिटाना है, अभी थोड़े, अरे आप सुनो तो मेरी बात। अच्छा चलो, मैं मिटाता तो नहीं अभी, लेकिन एक चलो थ्योरी कुछ लिखाया था वो थोड़ा मैं और आपको समझा ही दूं। ये देखो आप क्या है नजर, यहां मुझे बताओ, एटलस कंपनी के मालिक को एक्वायरर, मतलब जो सीओसी है वो पेमेंट कर रहा है, क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर्स। आप मुझे बताओ सीओसी इनको क्या क्या दे सकता है, इक्विटी भी दे सकता है, अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकता है, अपनी कंपनी का डिवेंचर भी दे सकता है, अपनी कंपनी का कैश भी दे सकता है, अपनी कंपनी का आपका कोई एसेट्स भी दे सकता है, बहुत चीजें कुछ भी दे सकता हूं। अगर हाँ, इनका इक्विटी ही रहेगा, वो जो एक्वायरी कंपनी है, जो बिक रही है कंपनी जिसपे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी के सिर्फ मालिक को मैं कुछ भी दे सकता हूं पेमेंट करने के लिए, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा, और जो भी कुछ देंगे उन सबको यहां पे हम प्लस माइनस करके हम पीसी निकालेंगे। मैंने यहां पे कुछ लिखा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर में कहा था कि परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेबल बाय एक्वायरर एंटिटी टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरी एंटिटी। एक्वायरी, एक्वायरर ने जो एक्वायरी को पेमेंट किया उसको हम क्या बोलेंगे, पीसी।
अब देखो पीसी का मतलब क्या होगा, कैश पेड फेयर वैल्यू, दिस इज फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू मत समझ लेना, मैंने क्या लिखा है, एवरी का मतलब फेयर वैल्यू हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। अब देख लो जो शेयर हमने दिया था इनको, ऐसे एक शेयर 10 रुपए का था, बट आज वैल्यू कितना, फेयर वैल्यू 15, तो 15 के हिसाब से देंगे, है ना बच्चे। तो कैश जो पे किया, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर इशूड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, ये क्या है, एंड फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, ये क्या है। और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ऐसे मैंने बुक में अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं मेरे बच्चे, इनको भी समझाने के लिए। थोड़ी सी क्लास और आगे बढ़ने दो ना, थोड़ा सा और मजा आने दो ना इस इंडेक्स 103 का, ये सारी बातें समझाऊंगा, बस हाँ थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट मुझसे अभी समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, जब मैंने बात किया पीसी का तो ये मैं बता दूं, मुझे विश्वास है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे अभी। सर ये क्या है, कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू, जैसे पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। देखो कभी कभी होता है कि सीओसी ने मान लो माइक्रोसॉफ्ट को परचेज किया और कहा कि देखो जी मैं आपको अभी के अभी इमीडिएटली मैं आपको 500 करोड़ रुपीज का पेमेंट अभी कर रही हूं। अक्सर ये होता है मेरे बच्चे, अक्सर होता है कि जब मैंने आपको परचेज किया तो मैंने कहा कि देखो जी अभी मैं आपको 500 करोड़ का पेमेंट कर रही हूं, सीओसी ने कहा, और प्लस इसके साथ साथ मैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, दो साल के बाद यहां पे आपको 50 करोड़ और यहां पे 70 करोड़ और, मतलब पार्शियल पेमेंट, अभी इतना दे देते हैं और ये पेमेंट हम एक या दो साल के बाद कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसमें बिल्कुल डाउट ना हो कि पेमेंट आज करो चाहे एक साल या दो साल या पांच साल या 20 साल के बाद, वो भी तो परचेज कंसेशन है, वो भी तो आप पे कर रहे हो कंपनी को परचेज करने के बदले में, तो ये भी आपका पार्ट ऑफ पीसी होगा। और बिना किसी डाउट के ये पेमेंट क्योंकि एक साल के बाद हो रहा है, ये पेमेंट दो साल के बाद हो रहा है, तो हम वो अमाउंट यहां पे ऐड नहीं कर सकते, विल टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स। ये जो फ्यूचर में जो पेमेंट हो रहा है ना, इसका प्रेजेंट आज की वैल्यू क्या है, हम उस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पीसी जो डिसाइड हो रहा है वो आज हो रहा है, और ये जो पेमेंट आप आज से एक साल के बाद, दो साल के बाद, दस साल के बाद करोगे, वो वैल्यू और आज की वैल्यू सेम नहीं हो सकता। देयर इज केस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा घट रहा है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, हम उसको यहां पे निकालेंगे, और फिर जो अमाउंट होगा हम उससे क्या करेंगे, पीसी का अमाउंट कहेंगे। वो कैसे निकलता हम आगे अभी चर्चा करेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, बट दिमाग क्लियर आपका होना चाहिए। तो यहां पे क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा था जी, कैश जो पेड हो चुका है, दिस इज पेड, जो हमने पे कर दिया, शेयर्स जो इशू कर दिए, ये इशूड है, ये ट्रांसफर्ड है, दिस इज ट्रांसफर्ड, ये वो है जो फ्यूचर में पेमेंट होगा उसकी आज की वैल्यू। और फेयर वैल्यू, अगर ये पीवी था बच्चे प्रेजेंट वैल्यू, नाउ फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन। सर अब ये क्या है, ये देखो एक्चुअली इसलिए तो कहा इंडेक्स 103 जो है ना बहुत ज्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू हमारे इंडियन गैप AS 14 के। AS 14 में इतना डिटेल में हम लोग नहीं सोचते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे हमें सारी बातों को सोचना पड़ रहा है और आपको जेन्युइन बातें लगेगी। ये कहता है फेयर वैल्यू ऑफ आपका कहां गया जी, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, ये क्या जरा सुनो, सीओसी ने इस कंपनी को परचेज कर दिया और कहा कि देखो जी माइक्रोसॉफ्ट आज आपको 5000 करोड़ रुपीज का हम आपको पेमेंट करते हैं, सीओसी ने कहा कि आपको 5000 करोड़ का हम पेमेंट करते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है दिस इज आवर पीसी, लेकिन एक कंडीशन डाला गया, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि देखो जी अगर मान लो अगले नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर आपका मतलब यहां जो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर बेस है अगर मान लो 2 टाइम्स हो जाता है, कस्टमर बेस आपका डबल हो जाता है, या फिर इससे जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट इतने से बढ़ जाता है, या फिर आपका एफिशिएंसी जो है ना वो इतने से बढ़ जाता है, कुछ भी रीजन हो, कोई भी क्लोज हो, कि या तो आपका कस्टमर बेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, आपको इतना फायदा होता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, कुछ भी, तो उस केस में आपको इनको और मान लो 70 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा, 70 CR।
ऐसा क्लोज डाल दिया गया कि ठीक है जी, अगर आप क्या करोगे कि अगर कस्टमर बेस बढ़ जाएगा तो उस केस में आप 70 करोड़ रुपीज आप हमें और पे कर दोगे। बच्चे ये जो आपको कहा जा रहा है दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन। जरा सोचो, आप मेरी बात सुनना कि ये जो आपको 70 करोड़ देने की बात उठ रही है कि हम 70 करोड़ रुपीज और आपको दे देंगे अगर कस्टमर बेस इतने से बढ़ जाता है तो ये जो अमाउंट होगा ना ये भी पीसी का पार्ट बनेगा। हमारा इंडेक्स 103 कहता है कि ये अमाउंट भी आपको पीसी का पार्ट बनेगा, जो इसकी फेयर वैल्यू होगी आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। पता इसके पीछे लॉजिक क्या डाला गया है आप जरा सुनना। मान लो एक कंपनी जो है, एक कंपनी वो दावा नहीं करती कि हाँ जी मेरे मतलब कंपनी से आपको इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई दावा नहीं करती, तो उसको जो मैं अमाउंट पे करूंगा, ऐसे मैं दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे आपका एक्स लिमिटेड ने दो कंपनी एक्वायर किया, एक ए और दूसरा बी। ए ने कहा कि भैया आज जो कीमत है बस ठीक है, आज कीमत लगा लो काम खत्म हो जाएगा, जो कस्टमर बेस है वो आपको दिख रहा है, आगे की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक आदमी कहता है कि ठीक है जी आप मेरी कीमत लगा लो आज ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कंपनी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी, कस्टमर बेस देगी, आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी, और हाँ अगर एफिशिएंसी इतने से बढ़ जाएगी तो फिर हमको एक्स्ट्रा इतना पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इस कंपनी में कम विश्वास दिख रहा है और इस कंपनी में ज्यादा विश्वास दिख रहा है, मुझे बताओ कि दोनों का पेमेंट सेम होना चाहिए क्या? क्या दोनों को पेमेंट आप सेम करोगे क्या? नहीं सर, यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है बिना किसी डाउट के कि यहाँ पे पीसी ज्यादा होगा। मेरे बच्चे इसलिए इंडेक्स 103 कहता है कि कोई कंटिंजेंट कंसिडरेशन है, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट है और उससे कुछ लगता है कि भैया आपको कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है, इवन तो अभी नहीं पे किया है बट पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसकी जो फेयर वैल्यू आज होगी वो भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इस पे भी अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने इसके क्वेश्चन अलग से आपके लिए बुक में तैयार किया, अभी समझ लो। इसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं जो पीसी के पार्ट बनते हैं बट थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जब उसकी थ्योरी पूरा पढ़ेंगे इंडेक्स 103 का, वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे आप मोटा मोटी समझ लो, पीसी इज व्हाट इट इज द अमाउंट पेबल बाय द एक्वायरर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरी। इट मे बी पेड इन कैश, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, एनीथिंग, और कुछ भी आपका, चाहे प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर में पेमेंट करना जी, वो सब यहाँ पे आपका पीसी का पार्ट बनेगा। सर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, अभी कॉपी नहीं करना क्योंकि अभी मुझे और बहुत सारी चीज़ें समझानी है। आप इतनी तेज में मतलब इतने जल्दबाजी में क्यों पड़ गए कि कॉपी कर लो, अभी कुछ समझाया नहीं। इंडेक्स 103 के मुताबिक काम हो रहा है आपका, यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई होगा तभी जी जब आपका कोई एक्वायरर जो होगा वो ऑब्टेन करेगा कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेज, मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग जो होगा आपका इसका दो पार्ट में, एक्विजिशन मेथड एंड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जब आपका कॉमन कंट्रोल होगा, जिसका डिस्कशन अलग से करेंगे, अभी हम एक्विजिशन मेथड की बात कर रहे थे। एक्विजिशन में हमें क्या करना होगा जी, क्या रिक्वायर हमें, तो कहते पहले एक्वायरर को पता करो, मतलब जो कंट्रोल यहाँ पे लिया। एक्वायरर कैसे पता किया जाएगा एज पर डेफिनेशन गिवन इन गाइडेंस नोट्स ऑफ इंडेक्स 110। अगर इंडेक्स 110 से हमें नहीं पता चल रहा तो फिर क्या करेंगे, उसकी चर्चा भी करनी बाकी है। अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं करना। फिर एक्विजिशन डेट को हम पता करेंगे जी, डेट का मतलब द डेट ऑन विच एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ इक्वायरी, और जनरली कब मानते हैं, जब उनके बोर्ड पे, बोर्ड डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन पर हमारा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेट पीसी पे हम लोग आ रहे थे, पीसी पे मैंने बताया कि पीसी निकालने के हमें दो मेथड दिखे जी, मेथड कहीं लिखा नहीं है बट मैंने नाम दे दिया, नेट एसेट्स, नेट पेमेंट। नेट एसेट्स में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी कौन से वैल्यू पे लेना है, तो फेयर वैल्यू पे, ये सब फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं। सर कैश के साथ फेयर वैल्यू क्यों नहीं लिखा, बदमाश हुआ आप। अरे कैश का फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में वो तो सेम ही होगा, आज मेरे पॉकेट में 10 रुपये है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये ही होगी, तो वहाँ क्या लिखना, कुछ बात करो ना जो लॉजिकल लगे। आप बड़े बच्चे, इतने बड़े बच्चे, हाँ ऐसे से बात करोगे गंदा लगता है। और फिर मैंने आपको बताया जी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया कि भैया आप पीसी निकालो और दोनों का इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट को प्रेफर करेंगे, मतलब मालिक को कितना पेमेंट किया गया, जो भी कुछ पे किया गया उसको ऐड कर देना। इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, 19th क्वेश्चन, मिटाऊंगा इसको। यहाँ पे अब आपको जज करना पड़ेगा कि पीसी जो हमारा होगा वो किस मेथड से निकल के आएगा, है ना, किस तरीके से एक्चुअली। तो आओ ना सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का।
पढ़ेंगे आप, कहता है 19th में, बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च कहता है कि पीपीई 1 लाख है, करंट एसेट्स कहता है कि आपका 90,000 है, यहाँ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ना बताए तो हमेशा क्या मानेंगे, इक्विटी है ना बच्चे, ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसमें इक्विटी शेयर्स ना हो, दे आर ओनर, बिना ओनर की कोई कंपनी थोड़ी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स तो लायबिलिटी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो आपका शेयर कैपिटल आपको कहता है कि 80,000 शेयर्स है, करंट लायबिलिटी और फिर रिजर्व सरप्लस कहता है कि राम लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाई ए लिमिटेड, ये जो राम है ना ये एक्वायरी एक्वायरी है, इस पे कंट्रोल जो ऑप्टेन कर रहा मतलब एक्वायरर वो कौन है जी, ए लिमिटेड, ठीक है, कहता है कि पीपी शुड बी टेकन ओवर एट 90,000, ओपीपी की वैल्यू बता रहा है जी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कहता है कि टेक ओवर किया जाएगा 110 and 90, मतलब दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, फिर कहता है 3 equity shares ऑफ ए लिमिटेड वुड बी इशूड फॉर एवरी 2 shares हेल्ड इन राम लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12 एच, बोलता है पीसी निकालो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पे बात हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना तो पीसी में दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ, मेरे पास नेट एसेट्स मेथड से भी आपका पीपीई आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कितने पे जाएंगे उनके बारे में बता रहा है, और देखो तो इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कितना पेमेंट किया जा रहा है वो भी बता रहा है, तो मैं क्या करूं, पहले तो मैं अभी जो आपको मैंने बताया था उसको नोट लिखा दूं, पहले मैं 19 के पहले नोट लिखी आप यहां पे एग्जाम के लिए, नोट फॉर एग्जाम, नोट फॉर एग्जाम क्या लिखेंगे आप यहां पे, ऐसे मैंने लिख दिया था, प्रेफरेबल फिर भी लिखिए आप यहां पे, इफ पीसी कैन बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बाय बोथ मेथड्स कोमा इट इज प्रेफरेबल टू कैलकुलेट पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर में दोनों ही मेथड से हम पीसी निकाल सकते हैं तो हमारा प्रेफरेबल क्या होगा जी, नेट एसेट नेट पेमेंट मेथड आपका, मतलब ये प्रेफरेबल को कर लो अंडरलाइन और नेट पेमेंट कर लीजिए अंडरलाइन, मतलब मालिक को कितना कितना पेमेंट किया गया हम उसको ऐड कर दे तो भी हमारा पीसी निकल सकता है, निकल जाएगा, तो मैं यहां पे कुछ एक्चुअली प्रूफ करना चाहता हूं, सॉल्यूशन लिखिए आप यहां पे, सॉल्यूशन अब यहां पे 19 का कंप्यूटेशन ऑफ पीसी है ना, ऑफ क्या नाम है कंपनी का जी जो बिक रही है, एक्वायरी कौन है राम लिमिटेड, चलो चेक करते हैं राम कितने में बिकेगी, तो बच्चे यहां पे हमने क्या बोला जी, टू मतलब राम मतलब एक्वायरी, इसके इक्विटी शेयर को सिर्फ मालिक को, इन यानी कि नई कंपनी यानी कि ए लिमिटेड एक्वायरर क्या क्या दे रहा है हम उसका करेंगे यहां पे कैलकुलेशन और फिर अमाउंट, ये कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं कि इंडेक्स में लिखा हुआ है, मैंने खुद बनाया आपके लिए ताकि आप तरीके से समझ जाए यहां पे क्या मतलब निकल के आता है, तो टू यानी कि राम की इक्विटी को इन यानी कि उसमें, जरा सुनो ना मेरी बात ध्यान से पढ़ो, पॉइंट नंबर आप यहां पे थ्री इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वुड बी इशूड फॉर एवरी 2 shares इन राम, यानी कि इसके इक्विटी को नई कंपनी यानी कि एक्वायरर क्या दे रहा है जी, इक्विटी शेयर्स, स्वैप रेशियो क्या है ओल्ड इज टू न्यू, जरा बताओ ओल्ड में कितने के बदले में कहता है 3 equity shares ऑफ ए वुड बी इशूड, ए यानी कि नई कंपनी का 3 shares फॉर एवरी 2 shares यानी कि ओल्ड के 2 के बदले में, 2:3 का रेशियो हो गया स्वैप रेशियो आपका, सर पहले हमेशा ओल्ड का नाम आएगा कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है बट जनरली आपका जब स्टॉक मार्केट में बात करते हो स्वैप रेशियो का तो ओल्ड इशू न्यू ही बोला जाता है, इसलिए आप इसी तरीके से बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मुझे बताओ जरा कि आपके ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर में वो आप चेक करो 80,000 का अमाउंट था शेयर कैपिटल तो नंबर कितने हो गए 8,000 शेयर्स, तो 8,000 है ओल्ड के शेयर्स, तो ओल्ड का रेशियो 2 से डिवाइड, नई कंपनी के शेयर्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाइड आ गया 12,000 शेयर्स, ओहो अच्छा, यानी कि अगर इसमें 8,000 शेयर्स थे तो नई कंपनी अपने कंपनी के 12,000 शेयर्स आपको देने को तैयार है और एक शेयर की वैल्यू कहता है 12 rupees, टोटल कम्स टू 1,44,000, ये हमारा क्या निकल के आ गया पीसी बन गया आपका, खत्म हो गया, और तो कुछ दिया नहीं गया जी, सिर्फ ये दिया गया इक्विटी को इक्विटी, काश कुछ और भी देने की बात करता, देखते हैं अभी यहां दिया नहीं है, तो ये आपका पीसी निकल के आ गया, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है, तो इक्विटी को इक्विटी और पीसी निकल के आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं
इस क्वेश्चन में तीन पॉइंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपके लिए इरेलीवेंट है, क्योंकि पीसी हमने जो प्रेफरेबल मेथड है हमने उससे निकाल दिया. ये ना होता तो फिर हम क्या करते जी, नेट एफिट्स पे जाते. अब मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूं. मेरे बच्चे आंसर हो चुका है, आंसर आपका हो चुका है. एक बार देखता हूं कि इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर मैं नेट एफिट्स मेथड से पीसी निकालता तो क्या सेम आंसर आएगा. रियल लाइफ में सेम आना चाहिए, रियल लाइफ में. बट यहां सेम आएगा कि नहीं आएगा हमें कंफर्म नहीं है मेरे बच्चे, अलग भी आ सकता है. पढ़ता हूं, देखो ना, पीपी जो बैलेंस शीट में 1 लाख है, पॉइंट नंबर आपका 1 में कहता है कि इसकी वैल्यू 90,000. तो एसेट्स में पीपी का वैल्यू कितना हो गया, 90,000. जो करंट एसेट्स बैलेंस शीट में 90,000 है, चेक कीजिए पॉइंट नंबर 2 में इसकी वैल्यू 110% यानी कि 10% ज्यादा, यानी कि 99,000. तो एसेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में क्या दिख रहा है, करंट लाइबिलिटी 40,000 का है और वो कहता है कि टेक ओवर किया गया है 90% पे, मतलब 36,000. तो मुझे बताओ वन कितना आ गया, 189 ऊपर का दो और माइनस आपका 36,000, ये आ गया आपका 153, 1,53,000 रुपये. देखो दोनों से अलग आंसर निकल के आ रहा है, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर आपका. इसलिए कहा मैंने कि एग्जाम है ना, रियल लाइफ तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी के एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए आपको ऐसे काम कर दे. इसलिए मेरे बच्चे इट इज प्रेफरेबल टू कैलकुलेट एनपी बाय नेट पेमेंट मेथड. वंस यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज रेशियो कि क्या रेशियो में आपका एक्सचेंज दैट इज स्वैप रेशियो, देन ओनली गो फॉर द नेट एफिट्स मेथड. और क्वेश्चन इट सेल्फ स्पेसिफाइज कि भैया आपको पीसी नेट एफिट से निकालना है, तब वो काम करेगा. अभी क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे इसके बारे में. तो ये मैंने आपको बातें समझा दी, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर. तो ये 18th और ये आपका 19th क्वेश्चन, क्लियर? यस सर. आपको अब इसमें ज्यादा बताने कुछ है नहीं. एक बात और, अभी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं, वो मैं अब लेके चलूं, मैं इसको मिटाऊंगा. अब देखो ना यहाँ पे कितनी सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, मैं अब एक्चुअली इसको मिटाना चाहता हूँ. तो पहले मैं इसको खत्म कर लूँ कि पॉइंट 1 क्लियर, पॉइंट 2 मैंने क्लियर कर दिया, पॉइंट 3 में दो मेथड जी कॉमन कंट्रोल बाद में देखेंगे, अभी हम इक्वेशन मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं. आइडेंटिफाइंग द इक्वायरर, दिस इज द स्टेप्स इन इक्वेशन मेथड. फिर आपका डिटरमाइन द इक्वेशन रेट, पीसी निकाल लिया. नाउ पीसी निकालने के बाद आपका सर ये 4, 5, चलो छोड़ो, फिर अभी मिटाऊंगा, फिर काम खराब हो जाएगा. मुझे इसी को मिटाने दो, ये लो मैंने इसको मिटा दिया, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं अब आगे मैं क्या बोलना चाहता हूं. ये लीजिए, इसी में पीसी के अंदर में ही हमारा एक वर्ड है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लेके चलेंगे. लिखिए आप पीसी के अंदर में एक हमारा नया वर्ड, आप हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर. लिखेंगे आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर.